नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने नए नुस्खे के साथ। तो दोस्तों, आज का मेरा नुस्खा उन भाइयों के लिए है जिन्हें धात की दिक्कत हो, धात आती हो, कतरे आते हों या चिपचिपा पानी आता हो। फ़ोन पे बात करते टाइम चिपचिपा पानी आने वाले मेरे भाई से ज़रूर यूज करें। तो दोस्तों, इस नुस्खे की तरफ आते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है शिलाजीत। दोस्तों, शिलाजीत आपको 10 ग्राम लेना है। उसके बाद आपको लेनी है गोदंती भस्म, ये आपको 20 ग्राम लेनी है। बंग भस्म 20 ग्राम लेनी है। अभ्रक भस्म 10 ग्राम लेनी है। लोहा भस्म 10 ग्राम लेनी है। मोती पिष्टी 5 ग्राम लेनी है। तो दोस्तों, ये सारी भस्मों को और शिलाजीत को मिक्स करके किसी खरल में डाल के अच्छी तरह खरल कर लें और एक एक ग्राम की पुड़िया बना लें। दोस्तों, एक ग्राम दवा सुबह, एक ग्राम शाम को खाना खाने के बाद शहद के साथ लें। तो दोस्तों, आप देखोगे कुछ ही दिनों में आपकी धात की दिक्कत है, कतरे आने की दिक्कत, चिपचिपा पानी आने की दिक्कत जड़ से ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी में कभी भी ये दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये दवा आपको लगातार 1.5 से 2 महीने यूज करनी है। बहुत ही सस्ती और लाजवाब दवा है। तो दोस्तों, इसे यूज करें, इसका लाभ